नमस्कार, मैं सुजल दवे। कोरोना काल में कई लोगों को कई बातों का ख्याल आ गया है। सरकारें बेनकाब हुई, लोग जीवन शैली को समझने लगे। जिन चीज़ों को देहाती बताकर लोगों ने उसे दरकिनार कर दिया था, आखिरकार उसी के करीब आ भी गए। दूसरी लहर में जब ऑक्सीजन की कमी हर मरीज को हुई, तब लोगों के समझ में आया कि विकास के नाम पर हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर ऑक्सीजन दे रहे पेड़ों को ही काट दिया है। इस परिस्थिति के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराने से पहले खुद जिम्मेदार बनना पड़ेगा। पेड़ हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, ये बात मेरे कहने से पहले कोविड ने आपको समझा दी है। ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ काटने के लिए तैयार है। हमारे पर्यावरण प्रेमी समय समय पर इस पर जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं, जिसके फलस्वरूप ही जब मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटे जाने लगे तो नौजवानों ने पेड़ को बचाने के लिए अपने आप को पेड़ से लपेट लिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आखिरकार नौजवानों की मुहिम रंग लाई, पेड़ कटने से बच भी गए। आपको ये भी याद होगा कि धरती के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजॉन के जंगलों में जब आग लगी थी तो हर देश की सरकार ने आग को बुझाने के लिए हर संभव प्रयास किया था, क्योंकि सभी सरकारें अमेजॉन के जंगलों को धरती का फेफड़ा मानती हैं। दुनिया में रोजाना जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसकी आधी ऑक्सीजन केवल वही जंगल हमें देता है। अब ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सामने आ रहा है, जहां सरकार पेड़ काटने के लिए उत्सुक है तो लोग पेड़ बचाने के लिए आए दिन धरने करते रहते, जो मुख्यधारा की मीडिया आप तक नहीं पहुंचने देती है। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का है, जहाँ हीरे के भंडार होने की आशंका है। दरअसल साल 2000 से 2005 के बीच सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो से एक सर्वे करा के हीरा खोजने को कहा था। कंपनी ने सर्वे के दौरान किम्बल लाइट की चट्टान खोज निकाली थी। याद रहे, हीरा इन्हीं चट्टानों से मिलता है। तब से माना जा रहा है कि हीरा का सबसे बड़ा भंडार यहीं पर है। सरकार का मानना है कि छतरपुर जिले के बकवासवा के जंगलों में 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे दबे पड़े हैं, जिन्हें निकालने के लिए 382.131 हेक्टेयर जंगलों का खात्मा करना होगा। इसके लिए वन विभाग ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक 215,875 पेड़ों को काटना जरूरी है। इन सभी पेड़ों को काटा भी जाएगा। जो पेड़ कटने वाले हैं उनमें से 40,000 पेड़ तो केवल सागौन के हैं। इसके अलावा केम, पीपल, तेंदू, जामवन, बहेड़ा और अर्जुन जैसे औषधीय पेड़ भी कटने के लिए तैयार है, जिसे लेकर वहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। यहाँ की जमीन में 22 लाख कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान है, जिसमें से 13 लाख कैरेट हीरे सरकार पहले ही निकाल चुकी है। बाकी 9 लाख कैरेट हीरे निकालने के लिए पेड़ काटना जरूरी है। 2 साल पहले हीरे निकालने के लिए सरकार ने जंगल की जमीन की नीलामी की थी। आदित्य बिरला ग्रुप की SL माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी। सरकार ने कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दे दिया है। कंपनी इस जंगल से 62.64 हेक्टर से हीरे निकालने का काम करेगी, लेकिन हीरे निकालने के लिए पेड़ काटने से पर्यावरण को भारी नुकसान होना तय है, साथ में वन्य जीवों पर भी संकट छा सकता है। 2017 में रियो टिंटो कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंगल में तेंदुआ, बाज, भालू, भारासिंगा, हिरण और मोर प्रजाति के जानवर रहते थे, पर दिसंबर 2020 में DFO और CF छतरपुर की रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में से कोई भी जानवर अब नहीं रहता। लोग मान रहे हैं कि जंगल काटने के लिए पूरी रिपोर्ट को बदल दिया गया है। बडाम लहरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी अभी लोगों की अगुवाई कर रहे और जंगल बचाने के लिए मुहिम में जुड़े हुए। ये बाहरी लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस के मित्र यहाँ उत्पात कर रहे हैं, जो ये बड़ी परियोजना लाना नहीं चाहते। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ, बाहर के लोगों को, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की वैमनस्यता या इस प्रकार का रोजगार के लिए यदि आप व्यवस्था करेंगे, इसके लिए बुंदेलखंड में जो है ताकत से जवाब दिया जाएगा। जैसा सम्मान हम करते हैं, प्रधान सम्मान बुंदेलखंडी में भी करते हैं। वो कई बार देखते हैं, वो कई जगह, अभी एक जगह आपने देखा कि एक सरकार ने वो वैक्सीन ही पूरे की पूरे अलग कर दी है, वैक्सीन ही लगा रहे हैं। बड़े नेता चुपके से लगवा लेते हैं, जनता को बरगला देते हैं,
ऐसी कई प्रकार की आपने सपने देखा होगा आपके चैनलों के माध्यम से, इस प्रकार से नेता लोगों को बरगला के काम करते हैं, खुद जाके वैक्सीन लगवा लेते हैं, जनता को प्रश्न करते हैं कि आपको वैक्सीन नहीं लगवाना है, ऐसा ही सबके सबके अपने अपने रोजगार चल रहे हैं यहाँ, बहुत से बाबा बैरागी आ रहा, सबके अपने बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ आके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ पर्यावरण दिवस है, वो अपने जहाँ भी जिस भी आश्रम में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, वो वहाँ पौधे लगाएं और लोगों को जागृत करें। यदि उनको बहुत पर्यावरण का शौक है तो हमारे पास आए, यहाँ आए, यहाँ बहुत सी हमारी जंगल की जमीनें खाली हैं, वहाँ पर वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे पौधे लगाकर अच्छे पर्यावरण दिवस पर, और आज ये संकल्प लें कि इस पूरी जगह को जितनी वो चाहते हैं उससे ज्यादा जगह हम यहाँ देने को तैयार हैं, आए यहाँ सेवा करें और वृक्ष लगाएं। ये पूरा मामला लेकर वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य जैन शनिवार को मेरे पास आए थे। उनकी इच्छा थी कि मैं इस विषय पर एनालिसिस करूं, क्योंकि पिछले 2 महीने से यहाँ लोग आंदोलन कर रहे, फिर भी सरकार के कानों में फरियाद नहीं जाती। सामने उनसे मैंने कहा था, मैं 0 TRP एंकर हूँ, मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर पड़ता होता तो आज GDP -7.3 नहीं पर +14.6 होती। फिर भी वो अपने आग्रह से जुड़े रहे, क्योंकि चैतन्य पत्रकार है और वे अच्छी तरह से जानते हैं कौन सी स्टोरी कहाँ चलेगी। आज मैं इसी विषय की और गहराई में समझने के लिए उनसे बात करना चाहता हूँ, ताकि आप दर्शक भी पर्यावरण से हो रही छेड़खानी को सरल भाव से समझ सके। याद रखिए, दुनिया में कई तरह के टैक्स जनता देती है, पर भारत दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ बोलने पर भी टैक्स देना पड़ता है। यहाँ टैक्स का मतलब कीमत होती है। तो चैतन्य बोलने आए हैं, आपको समझाने आए, न जाने वे क्या कीमत चुकाएंगे। स्वागत है चैतन्य आपका, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक पत्रकार की नज़र से मैंने जब इस स्टोरी को देखा, तो मैं आपकी नज़र की वाकई दाद देता हूं कि आपने पर्यावरण में छिपी अपनी जो दर्द भरी दास्तान है उसको आवाज़ देने की कोशिश की है। पर्यावरण के प्रति आपने चिंता जताई है, खास तौर पे हम पत्रकार पर्यावरण के प्रति इस बारे में चुप करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी आप आए हैं। तो मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ ये पूरा मामला क्या है और वहाँ के जो बासिंदे हैं उन पर इसका क्या असर हो रहा है। मेरी आवाज आप तक जा रही है चैतन्य? जंगल बचाने की मुहिम में जी जी सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने और आपके चैनल को धन्यवाद कहूंगा कि आपने यह मुद्दा उठाया। उन क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं धन्यवाद जरूर कहूंगा जो महीनों से इस जंगल को बचाने की मुहिम में जुड़े हुए हैं, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया में ये मुद्दा उस रूप में नहीं उठा कि सरकार तक इसकी आवाज पहुंच सके। क्योंकि मामला पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पर्यावरण दिवस भी मनाया है, पूरे दिन हमने स्टोरी चलाई है, पेड़ होने के फायदे बताए हैं, जंगल होने के फायदे बताए हैं मीडिया ने, लेकिन मीडिया असली मुद्दों को जनता के बीच उस तरीके से प्रस्तुत नहीं करती कि उस पे सरकार की आंखें खुल सकें। आपने बहुत कुछ इस मामले के बारे में आपके दर्शकों को बताया है, इसमें मैं कुछ चीजें अपनी तरफ से बताना चाहूंगा। ये पूरा मामला है, आप समझ चुके होंगे, उस बुंदेलखंड है जो मध्य प्रदेश के हिस्से वाला बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड की जो छवि है वो मीडिया में और धरातल पर मुख्य रूप से पिछड़े इलाके के तौर पर रही है। पिछड़े इलाके होने के का एक मुख्य कारण है वहां पर विकास से वंचित क्षेत्र हैं। विकास से वंचित होने को मैं पिछड़ा इलाका कहता हूं, तो वहां विकास नहीं पहुंचा है, लेकिन करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लगाने वाली विदेशी कंपनियां पहुंच गई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल ये पूरा मामला बक्सवाहा से सटे हुए सगोरिया क्षेत्र का है, जो जंगल है वहां का है। ये सन 2000 में, आज से हम 20-21 साल पीछे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, सन 2000 में इसका सर्वे शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको मंजूरी दी थी, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी थी रियो टिंटो, जिसने करीब 4-5 साल मतलब 2000 से 2005 के बीच सर्वे किया और करीब 20 किलोमीटर के एरिया में सर्वे किया।
किलोमीटर का पूरा जंगल का जो एरिया है वहां सर्वे किया, और उसने अपने सर्वे भारत का सबसे अच्छी क्वालिटी का हीरा और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हीरा वहां पर उसने अपने सर्वे में रिपोर्ट किया। इसके बाद उसको वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिली कि आप वहां पर उत्खनन करें और हीरा निकालिए। उसकी जो राजस्व तय हुआ वो सरकार की तिजोरी में गया और उसने काम शुरू किया 2003 से वहां पर। रियो टिंटो जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, उसने काम शुरू किया। करीब 2016 तक उसने अपना काम चालू रखा। इस 15 साल के काम में उसने ऐसा रिपोर्ट तो, मतलब ऐसा ऑन पेपर तो नहीं है लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि उसने बहुत करोड़ों अरबों रुपए के हीरे वहां से निकाले हैं, और उस दौरान भी कई सारे जंगल काटे गए। उस समय भी विरोध हुआ था लेकिन चूंकि उस समय का जो समय था वो सोशल मीडिया का नहीं था, ये मुद्दा भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही इतना आगे बढ़ा है। उन युवाओं को उस क्षेत्र के बक्सवा के मैं बात कहूंगा जिन्होंने ट्विटर पर सबसे पहले इसको एक सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट करके ट्रेड चलाया और ट्विटर पर 5वें ट्रेड पे था, मतलब टॉप 5 में बक्सवाहा फॉरेस्ट ट्विटर पर चला। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, इसके बाद कुछ मीडिया ने कवरेज दिया और दूसरे लोगों ने दिखाना भी शुरू। जैसे कि आपने कहा कि कोरोना में हमें कुछ पता चला हो या ना चला हो, ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है ये सबने महसूस की। ऐसे समय में इस आंदोलन को थोड़ा सा वेग मिला, लोगों ने इसको समर्थन किया, जन समर्थन। तो 2017 में जब कंपनी ने वापस लीज के लिए, लीज बढ़ाने के लिए सरकार को अप्लाई किया रियो टिंटो ने, तब राजनीतिक समीकरण कुछ अलग थे। राजनीतिक समीकरण में राजस्व कम हो सकता है या स्वदेशी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाना भी एक रीजन हो सकता है, इसलिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी शर्तों में कुछ बदलाव किया। तो जो वो शर्तें थी वो विदेशी कंपनी फॉलो कर सके ऐसे समीकरण नहीं बन रहे थे, लिहाजा विदेशी कंपनी जो रियो टिंटो थी उसने अपना पूरा जो सेटअप था वो छोड़कर यहाँ से कंपनी को राज्य सरकार के हवाले करके वो अपना यहाँ से चली गई। इसके बाद जो असली खेल था वो शुरू ये हुआ कि स्थानीय स्तर की जो माइनिंग कंपनियां हैं उनकी, उनको इसका टेंडर निकाला गया, बोली लगी। उसमें आदित्य बिरला ग्रुप ने जो उसका माइनिंग का काम करती है उसकी जो शाखा, उसने सबसे ज्यादा बोली लगाई और उनको वो काम मिला। ठीक। अब पहले जो जो थे कि पहले इतने पेड़ जंगल में नहीं काटे गए थे जितने पेड़ अभी चिन्हित हैं। 2,15,000 करीब पेड़ चिन्हित हैं जिनको काटा जाना है, उनको काटे बिना प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए इतने सारे पेड़ों का वहां काटा जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुखद दास्ता है, और मैं तो कहूंगा ये बक्सवाहा की बदनसीबी है कि जिस क्षेत्र में पैसा कमाने के साधन है, हीरा जमीन में है, हीरा जिस क्षेत्र पे हो, वहां के लोग इतने आज बदनसीब हैं, मजबूर हैं कि वो ना पेड़ कटवाना चाहते हैं और ना वो ये चाहते हैं कि विकास उनसे दूर जाए, क्योंकि इतने सालों से गरीबी और अव्यवस्थाओं का जीवन जी रहे हैं। शिक्षा नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बदहाल बुंदेलखंड के नाम से आप परिचित हैं, जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां पर जो पेड़ हैं वो कोई मामूली पेड़ नहीं है। जंगलों के जो पेड़ हैं वो ऐसे पेड़ हैं जिनसे वहां आसपास रहने वाले करीब 25 गांव के 2 से 5 हजार लोगों के परिवार उन जंगलों से चलते हैं। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पेड़ है वो महुआ का, हमारे उस क्षेत्र में बोलते हैं वो है, तेंदू पत्ता है जिससे बीड़ी बनती है, गोंद है जो जंगलों से प्राप्त होती है, चिरौंजी है, और भी बहुत सारे जो क्षेत्रीय वन्य जो होते हैं चीजें वो वहां पर पाई जाती हैं। तो लोगों का ये कहना है कि अभी तक उनकी रोजगारी जो जंगलों से चल रही है, जो उनसे फल प्राप्त करते हैं, छाव देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, बरसात कराने कराते हैं पेड़, उस माहौल को एकदम शुद्ध रखते हैं, ऐसे अगर एक साथ इतने सारे सारे पेड़ काट दिए जाते हैं तो उनका एक तो रोजगार जाएगा और दूसरा उनके उनके जो जंगल सालों से, पचासों सालों, सैकड़ों सालों से जो जंगल वहां पर खड़े हुए हैं वो जंगल भी चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर लोगों में वहां पर विरोध भी है इस चीज का, वो नहीं चाहते कि वो जंगल कटे, पर सरकार से ये भी उम्मीद करते हैं कि उनको रोजगार भी मिले। लेकिन जंगल की कीमत पर रोजगार मिले ये वहां के लोगों को मंजूर नहीं है, क्योंकि सरकार का कहना है कि कंपनियां आएगी, विकास करेगी,
आपको रोजगार मिलेगा, आपके बच्चे आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। लेकिन लोगों का तर्क ये भी है कि पन्ना, अगर आपने सुना हो, पन्ना भी मध्य प्रदेश में आता है जहां पर हीरे की खदानें हैं, अभी वहां पन्ना से निकाला जाता है, पर पन्ना की स्थिति भी इतने सालों बाद भी आज ऐसी ही है। ग्राउंड रिपोर्ट आप पन्ना की देखें तो वहां अभी भी अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गांव में लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, तो वहां सालों से हीरा निकाला जा रहा है लेकिन लोगों को स्थानीय स्तर पर उसका कोई फायदा नहीं मिलता, राजस्व तिजोरी में जाता है और कंपनियां कमाकर चली जाती हैं वहां से। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि जब ये मामला बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ पर्यावरण प्रेमियों ने इसके लिए एक याचिका लगाई और वहां की खुश नसीबी कहें कि सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्टेड भी हो गई है सुनवाई के लिए, याचिका जनहित याचिका थी जो इन जंगलों पर कटाई को रोकने के लिए लगाई गई थी कि इन जंगलों को ना काटा जाए, अब वो लिस्टेड हुई है, पर उसकी सुनवाई कब होगी उसकी तारीख के बारे में मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता, पर वो लिस्टेड है। जबलपुर में भी हाई कोर्ट में एक याचिका हुई है, एनजीटी में भी इसके खिलाफ याचिका हुई है। मैं यहाँ एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हम यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत पिछड़े इलाके के हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इन सारी चीजों के बारे में जानते नहीं है, राजनीतिक दांव पेच नहीं समझते हैं। लेकिन आप देखें तो सरकार, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार की नीयत क्या है, जंगलों को बचाने की नीयत है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की नीयत है। ये नीयत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब मैं इस मैटर को देख रहा था तब मैंने एक रिपोर्ट देखी 2019 में लोकसभा में जो सरकार ने पेश की थी कि पिछले 6 सालों में सरकार 1,10,00,000 पेड़ों को काटने की मंजूरी ऑफिशियल दी है सरकार ने। मतलब सही है। वहां के लोगों को उस सरकार से उम्मीद है जो 6 साल में 1,00,00,000 से ज्यादा पेड़ ऑफिशियली कटवा चुकी है, उस सरकार से 2,15,000 पेड़ बचाने की उम्मीद वहां के लोगों को है। अब ये उम्मीद के उम्मीद का आधार क्या है वो मुझे नहीं समझ में आता, इस उम्मीद पर का रास्ता कहां जाएगा वो भी मैं मुझे नहीं पता। लेकिन आज के समय में जहां हम सारा विश्व पर्यावरण दिवस में बड़े बड़े स्लोगन्स और नारे के साथ एक एक पौधा लगाकर हम नेताओं की पूरे दिन फोटो चलाते हैं, लोग अपने स्टेटस पे रखते हैं, मीडिया पे शेयर करते हैं, वो नेता इन पेड़ों के बारे में कोई कहीं किसी जगह आपने एक शब्द नहीं सुना होगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जनता की जो खबरें हैं या जो जनता की आवाज वो मीडिया तक नहीं आ पाती, लेकिन इस तरीके की जो खबरें अगर मीडिया दिखाए या पत्रकार मिलकर इन चीजों पर आगे इन चीजों को आगे ले जाएं, तो मुझे लगता है इसमें किसी का व्यक्तिगत फायदा नहीं है बल्कि पर्यावरण के लिए ये चिंता है, और पर्यावरण से चिंतित होकर ही इस संबंध में लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर चिपको आंदोलन भी शुरू होने के आसार हैं, बड़ी भारी मात्रा में पर्यावरण नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं और जंगलों में डेरा डालना भी शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक अपनी तरीके से काम कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं तंत्रकार और मीडिया वो भूमिका नहीं निभा रहा है जो वहां ऐसे क्षेत्र क्षेत्र के लिए होनी चाहिए। ठीक चैतन्य, आपसे थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा कि अभी आपने याचिका का जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में, जबलपुर में भी हुई है, बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हो चुकी है, उम्मीद की एक किरण मुझे यहाँ पर खड़े खड़े भी नजर आ रही है। लेकिन आपका दूसरा जो विधान आता है कि पता नहीं उसकी सुनवाई कब चलेगी, कोविड में कई केस ऐसे आए हैं, दुष्यंत दवे जो सीनियर एडवोकेट है वो तो सुप्रीम कोर्ट में बोल चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए था, उन केसों का चयन करना चाहिए था जो ज़रूरी हो, ना कि आप पूंजीपतियों के केस चलाइए, दुष्यंत दवे बोल चुके हैं। तो सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि याचिका जब आपकी लिस्टेड हो गई है और चलेगी, इसका फैसला आएगा, वो जो समय सीमा है इस बीच वहाँ कटाई चल रही है कि नहीं चल रही है, यार सरकार को रोक दी गई है, हाईकोर्ट ने प्राथमिक भी कोई ऐसा फैसला दिया है कि जब तक इस याचिका की सुनवाई पूरी ना हो तब तक कटाई रोक दी जाए या चलती रहे, ऐसा कुछ आप बता सकते हो मेरे दर्शक को?
नहीं, अभी इस मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई है। याचिका जरूर दाखिल हुई है, एनजीटी में भी रोकने को लेकर याचिका दाखिल हुई है, पर अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। हालांकि कंपनी ने भी अभी वहां पर काम शुरू नहीं किया है, क्योंकि ये जो चलिए। विरोध है करीब 3 महीने पहले शुरू हो गया था। कंपनी अब अपना काम शुरू करने वाली थी, लेकिन ये विरोध को देखते हुए फिलहाल अभी कंपनी ने वहां काम शुरू नहीं किया है। चलिए, तो वहां के जो कोई भी आंदोलन होता है चैतन्य, मेरी 25 साल की पत्रकारिता में ने देखा है कि आंदोलन सफल तभी होता है जब इसकी नींव युवा के कंधों पे हो। वहां के जो नौजवान है उनकी क्या मत है, क्या इच्छा है, और इन पेड़ों की कटाइयों को वो नौजवान किस तरह से ले रहे। मैं उन नौजवानों की बात नहीं कर रहा हूं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं कि 2 से 5 हजार घर ऐसे हैं जो जंगल से चल रहे। उसके अलावा भी कई नौजवान हैं जो पर्यावरण दिन के दिन सोशल मीडिया पे फावड़ा लेके अपनी फोटो डाल चुके हैं। उन नौजवानों की मनसा इन जंगलों को लेकर क्या चल रही है? देखिए, इस मामले में जैसे हमारे यहाँ होता है कि जब एक पक्ष तेजी से आगे बढ़ता है तो दूसरा उसके विरोध में जरूर बढ़ता है, तो कुछ युवा ऐसे भी हैं जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि विकास के लिए ये जरूरी है, और ये पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ भारत ऐसा देश नहीं है या मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर पेड़ काटे जाएंगे। हाईवे बनते हैं तो पेड़ काटे जाते हैं, अहमदाबाद में मेट्रो लाइन डाली गई तो भी पेड़ काटे गए। तो एक विकास के लिए पर्यावरण को, पेड़ों को काटना, नुकसान पहुंचाना, ये एक प्रक्रिया है। सरकार इसके बदले में दूसरी जगह पर इतने पेड़ लगाती है। लेकिन कुछ जो युवा हैं उनका ये भी मानना है कि क्या पेड़ काटना ही उपाय है? क्या उन पेड़ों को ट्रांसप्लांटेशन दूसरी जगह नहीं किया जा सकता? आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां इतने संसाधन हैं, विज्ञान आगे बढ़ चुका है। विदेशों में भी होता है कि कई सारे पेड़ों को दूसरी, पूरे पूरे पेड़ों को निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। और अगर आप दूसरी जगह पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं तो आप पौधे लगाएंगे, वो 50 साल बाद पेड़ बन पाएंगे, 40 साल बाद पेड़ बन पाएंगे, 10वें साल बाद पेड़ बन पाएंगे, लेकिन उन पौधों के सामने, इन पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो कुल मिला के जो युवा है वहां का, वो यही चाहता है कि यहाँ पर जो जंगल है वो ना काटे जाए, सरकार कोई दूसरा रास्ता निकाले, कंपनी भी अपना काम करे और जंगल भी बचे रहें, सुरक्षित रहें। ये युवा वहां का जो है वो चाहता है। कुल मिला के युवा 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ काटने वाली सरकार के ऊपर उम्मीद लगा के बैठी हुई है। ठीक है, उम्मीद लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी पेड़ तो कटेंगे ही। तो चैतन्य, सवाल एक आखिरी मेरा आपसे ये रहता है कि 2,15,000 पेड़ कटने वाले हैं, कटने की कगार पे आके खड़े हो गए हैं। चैतन्य, जहाँ तक मैं अभ्यास करता हूँ जंगल का, जंगल ऐसे नहीं होते, 40 से 50 साल के बाद एक जंगल बनता है। छोटे छोटे पौधे, कई पौधे, लाखों करोड़ों पौधे इकट्ठा होते हैं, उनमें से एक जंगल खड़ा होता है। कई वन्य जीव भी वहाँ पर रहते हैं, अपना आवास बनाते हैं। मैं रिपोर्ट का जिक्र कर चुका हूँ कि 2017 में रिपोर्ट आई थी कि वहाँ जंगली जानवर रहते हैं, 2020 में वो रिपोर्ट को बदल दिया गया, या तो रिपोर्ट ऐसी आई है कि वहाँ जानवर नहीं है। इस पर ज़्यादा चर्चा मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर 2,15,000 पेड़ जब कट ही रहे हैं तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे, और अगर उठाए जा रहे तो क्या वो पर्याप्त है? सरकार, आपका जो कहना है लगभग मेरा मानना भी यही है कि 1 करोड़ से ज्यादा 5 साल में पेड़ कटने की अनुमति देने वाली सरकार से 2.25 लाख पेड़ बचाने की उम्मीद करनी है खुद के साथ बेईमानी है, मन को समझाने वाली बात है। फिर लिहाज तक कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल ना करे या हाई कोर्ट इसको स्पेस स्टे ना लगाए। दूसरी बात यह है कि सरकार, राज्य सरकार जो है शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में जो सरकार, उन्हीं के 3 साल 3 बार के कार्यकाल में 15 साल रियो टिंटो कंपनी वहां कर चुकी है, इसलिए उनकी भी मंशा साफ है। जिस जगह पे हीरे उत्खनन का काम विदेशी कंपनी को उन्होंने 15 साल करवाया है बिना किसी रोक टोक के, तो ये देशी कंपनी जो भारत की है वहां पे काम करेगी, ये निश्चित है। सरकार ने इसके लिए एक व्यवस्था ये की है कि जितने हिस्से के 350 हेक्टेयर के जो जंगल काटे जा रहे हैं, आसपास का जो क्षेत्र बंजर पड़ा हुआ है वहां पौधे, पेड़ तो नहीं कहना, पौधा वृक्षारोपण करेगी सरकार, वहां पे लगाएगी, और उसके लिए कंपनी ने कुछ
10 या 15 करोड़ रुपए का फंड भी रिलीज कर दिया है, ऐसी भी खबरें हैं, सरकार के खाते में पैसा डाल दिया है कि वो सब कंपनी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो उन पौधों में से जितने भी पौधे लगाएगी उनमें से पेड़ कितने बनेंगे ये कह सकता है कोई? वो पौधे कब पेड़ बनेंगे ये कोई कह सकता है? तो कुल मिला के जो चीजें हैं है, वो सिर्फ गुमराह करने सारी बातें हैं, बाकी विकास के नाम पर विनाश जारी है और मुझे लगता है कि ये जारी रहे। चलिए चेतन, आपने बहुत हिम्मत की है, आप पर्यावरण का मुद्दा लेके आए, मैं आपकी नज़र की दाद देता हूँ, आपकी संवेदना का सम्मान करता हूँ। आप इस मुद्दे को लेकर के न्यूज़ के पास आए और आपने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी, आपने वहाँ के लोगों की पीड़ा अपने शब्दों के माध्यम से के न्यूज़ को दी है, मैं समझ सकता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 2,15,000 पेड़ों की हम चर्चा कर रहे हैं, अदालतें ऐसा कोई फैसला सुनाए कि विकास का काम भी रुक जाए और हमारे जंगल भी बच जाए। और अगर वाकई बच जाएंगे, नौजवान इसको बचाएंगे, तभी मैं मानता हूं कि पर्यावरण दिन के दिन आप अपना प्रोफाइल पिक्चर पर्यावरण प्रेमी के रूप में रख सकते हैं, वरना ये नौटंकी इस देश के नौजवानों को बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि नौटंकी करने के कई अवसर सरकार हमें देती आती। खैर चैतन्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य जैन, जो पर्यावरण की पीड़ा को लेकर आए थे। आप दर्शक, मेरी और चैतन्य की बातचीत के बाद ये भ्रम न पाले कि जंगल की कटाई रुक जाएगी। ये बातचीत इसलिए थी कि 10 साल बाद जब पर्यावरण प्रेमी YouTube का तहखाना खोलेंगे तो उन्हें याद आएगा कि जब पर्यावरण पर संकट छाया था तब 1 0 TRP एंकर इसकी चिंता में पत्रकार से चर्चा कर रहा था। इसलिए आप दर्शकों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जंगलों को बचाने के लिए आप भी कुछ करें, ज्यादा नहीं तो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर अपनी राय दे। याद रखिए, 10 साल बाद YouTube के तहखाने के साथ साथ आपकी चिट्ठी भी पढ़ी जाएगी और यकीन मानिए तब लोग कहेंगे 10 साल पहले भारत में जिम्मेदार नागरिक रहते थे। ये होगा और जरूर होगा। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में शराब पर पाबंदी है, ये शॉर्ट जोक नहीं है, गुजरात सरकार की फाइल में बंद एक कानून है जिसकी आड़ में कई बार राजनीति होती है और कई बार बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन होता है। आप जानते हैं मैं शराब पाबंदी की बात कर रहा था तब आप जरा सा मुस्कुरा रहे थे, आप मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि सरकार एक कैसी भी हो पर अभी तक मुस्कुराने पर टैक्स नहीं लगा है। दरअसल शराब को लेकर गुजरात की राजनीति में गर्मी आ जाना आम बात है, बरसात के पहले एक बार फिर से ये मुद्दा राजनीति में गर्मी लेकर आ गया है। दरअसल मामला ये है कि पिछले हफ्ते राजस्थान पुलिस और आबकारी विभाग ने आबू रोड के पास आए भुजेला गांव में छापेमारी की थी। पुलिस ने छापेमारी अवैध शराब की हेराफेरी को रोकने के लिए की थी। पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी भी की है और कई वाहन जब्त किए जिसमें अवैध शराब भरी गई थी। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। शुरुआती जाँच में पुलिस को पता चला है कि ये शराब गुजरात लाई जा रही थी, अवैध शराब की बिक्री गुजरात में होनी थी जिसे राजस्थान पुलिस ने पकड़ लिया है। शराब हरियाणा से निकलकर गुजरात आ रही थी, बीच में राजस्थान पुलिस रोड़ा डाल के खड़ी हो गई है। इस शराब की बेरोकटोक आवाजाही के लिए हमेशा विघ्नहर्ता बनने वाले गुजरात के एक मंत्री भी अपने आप को लाचार महसूस कर रहे, क्योंकि मामला गुजरात पुलिस के पास नहीं है, राजस्थान पुलिस के पास है। अब ये अंतर है कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और गुजरात में भाजपा की। मामले ने तूल तब पकड़ा जब करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने आरोप लगाया कि गुजरात के एक मंत्री की हरियाणा में चल रही शराब की फैक्ट्री में हिस्सेदारी है। मेरे सहयोगी धार्मिक ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि मंत्री जी ने पुलिस विभाग से कह रखा है कि हरियाणा से आने वाली शराब को बेरोक टोक गुजरात आने दिया जाए और शराब की बिक्री से हर महीने 200 करोड़ इकट्ठा करके मुझे दिया जाए। आरोप संगीन है, मैं इस पर आगे भी बात करना चाहता हूं, पर पहले आप सुखदेव सिंह के आरोपों को ठीक से सुन लीजिए। नमस्कार, मैं धार्मिक वाला, राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है।
हम उनसे पूछेंगे कि गुजरात में तो शराब का अवैध व्यापार हो रहा है, वैसे ही आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, राजस्थान से भी हो रहा है, वो हरियाणा से माल आ रहा है और अभी कई किस्से राजस्थान से सामने आए हैं, तो आप उसके बारे में क्या अपनी राय देंगे? इस बारे में राजस्थान के CM अशोक गहलोत जी ने भी पहले ये मांग उठाई थी भी आप राजस्थान की बात करते हो शराबबंदी की, और कि जहाँ शराबबंदी कर रखी है वहाँ भी धड़ल्ले से शराब बिक रही है, और उसका उदाहरण तो अभी ताज़ा 2 दिन पहले जो सिरोही जिले के बॉर्डर पर जहाँ 14 गाड़ियाँ शराब की भरी हुई एक साथ पकड़ी जाती है, वहाँ ये मामला बहुत बड़ा मामला होता है। विपक्ष के पूर्व नेता अभय सिंह चौटाला हरियाणा में इस मामले को उठाते हैं, इधर उठा हुआ है राजस्थान के एक आपराधिक किस्म के सांसद हैं वो इस मामले को उठाते हैं और मांग करते हैं कि सिरोही SP की जांच होनी चाहिए। अरे सिरोही SP की क्या जांच होगी, सिरोही SP की क्या जांच होगी? क्या जाति SP की जाति देख करके जांच होती है? क्या वो कुम्हार जाति से इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए तो जहां से शराब चली थी हरियाणा से, वहां से लेकर के जहां सिरोही बॉर्डर पर पहुंची है वहां कितने SP आते हैं, उन सब SPOs की होनी चाहिए। जाति देख के जांच करोगे तुम? नहीं चलेगा। ये माल कौन सी फैक्ट्री से कहां से आया और कहां कौन से मंत्री के गुजरात में जा रहा था, इस चीज की जांच होनी चाहिए। व्यक्ति विशेष की एक SP की जांच करवा के तुम क्या जताना चाहते हो? जहां से दारू चली थी जितने जिले लगे हैं बीच में राजस्थान के, वो 5-6 SPOs की जांच होनी चाहिए। अगर उन 6 SPOs ने छोड़ा है गाड़ी को तो ही तो सिरोही पहुंची है। इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? और गुजरात के अंदर कौन से मंत्री के आ रही थी इस बात पर ध्यान दो। और मैं तो खुला धड़ल्लम धड़म बोल रहा हूं, गुजरात का एक बहुत बड़ा मंत्री है, उसका फैक्ट्री में हरियाणा में साझेदारी है, हिस्सेदारी है, हरियाणा से शराब वहां से गुजरात में परोसी जा रही है, एक बड़े मंत्री का साझेदारी है फैक्ट्री में, वहां से यह दारू आ रही है, मुझे सुनने में आया है। सरकार इस बात की जांच करवा ले, बहुत बड़ा यह एक रैकेट चल रहा है। जैसे महाराष्ट्र में एक कमिश्नर ने गृह मंत्री के नाम लेटर लिखा था, पता है आपको, कि गृह मंत्री ने मुझे कहा है महीने के 100 करोड़ रुपए मंथली चाहिए, महाराष्ट्र का मामला। तो यहां गुजरात के किसी मंत्री ने भी यह लेटर जारी किया है क्या पुलिस अधिकारियों को कि महीने के 200 करोड़ रुपए चाहिए, चाहे आप शराब बेचो, चाहे अवैध धंधे करो, चाहे अवैध जमीनों के धंधे करो, चाहे किसी चीज के धंधे करो, ये जो महीने के 200 करोड़ रुपए एक मंत्री के द्वारा गुजरात में इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये दिल्ली जा रहे हैं या फिर मंत्री खुद ही CM बनने के सपने देख रहा है पैसे इकट्ठे करके, इस बात का खुलासा होना चाहिए। सैकड़ों ट्रक दिल्ली शराब के आ रहे हैं, उसकी बंदी कौन लेता है? 200 करोड़ रुपए महीने की उगाही होती है गुजरात के अंदर, क्या वो पैसे दिल्ली पहुंचते हैं या रास्ते में रह जाते हैं? इस बात की जांच होनी चाहिए। सिरोही SP की जांच कर लो, क्योंकि उसकी जाति के विधायक और सांसद नहीं है, इसलिए सिरोही SP की जांच कर लो। मैं तो गहलोत साहब से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप जननायक नेता हो, आपके आदेश के बगैर ही विजिलेंस को जांच दे दी गई क्या सिरोही SP के खिलाफ? एक आपराधिक सांसद 2 घंटे पहले बोलता है और 2 घंटे बाद DGP साहब आदेश कर देते हैं कि यह मुकदमा सिरोही SP की जांच विजिलेंस करेगी। क्या हो रहा है इस देश के अंदर, क्या हो रहा है यह प्रदेश के अंदर, यह नहीं चलने देंगे। जब तक हम खड़े हैं सही मुद्दे पर खड़े हैं, सच्चाई पर खड़े हैं और सच्चाई पर खड़े रहेंगे। पकड़ना है तो जहां फैक्ट्री से लोड हुई थी वहां से पकड़ो, और जिस मंत्री के गुजरात में गाड़ियां खाली होनी थी उस मंत्री को पकड़ो, वरना ये बंद करो दिखावा। सच्चाई के साथ रहेगी करनी सेना और रहती है।
सुखदेव सिंह की प्रतिक्रिया में कुछ ऊर्जा ज़्यादा आई थी, ये बात वो आराम से भी कह सकते थे, लेकिन उनकी ऊर्जा में मैं आक्रोश महसूस कर रहा हूँ। शराब की फैक्ट्री में हिस्सेदारी होना या फैक्ट्री का मालिक होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि शराब एक व्यवसाय है, पर गुजरात के मंत्री की हिस्सेदारी होना राजनीति में गर्मी लाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि गुजरात किसी का नहीं, गांधी का है। इस हिसाब से यहाँ शराब पर पाबंदी है। मामले ने तुल पकड़ा तो भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई। प्रदेश के प्रवक्ता यमल व्यास ने इस मामले में जो कहा है, मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ। गुजरात राज्य की स्थापना थी राज्य में दारूबंदी नो अमल थाय छे, परंतु कांग्रेस ना पहला चार दायका ना शासन में एनो अमल सारी रीते न थयो, अने एना कारणे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ने पण खूब मोटू उत्तेजन मळ्युं, अने जे भारतीय जनता पार्टी सरकार आव्या पछी छेल्ला बे दायका में आ ऑर्गेनाइज क्राइम अने जे गेंगो चालती हती, लतीफ गेंग, इबला शेठनी गेंग, आ बधी गेंगो नो नाबूद करवामां आवी छे, अने राज्य नो कायदो अने व्यवस्थानी स्थिति छेल्ला बे दायकामां खूब ज सारी रही छे। हवे आटलाथी पण भारतीय जनता पार्टीनी बीजेपी रूपाणीनी सरकार संतुष्ट नथी, अने एना माटे जे दारूबंदीनो कायदो छे તે દારૂબંધીના કાયદાને વધુ કડક કરવામાં આવે છે તાજેતરમાં, અને એટલું જ નહીં પરંતુ જે કાયદાના અમલમાં દંડની જોગવાઈ છે, ભારે સજાની જોગવાઈ છે, આના કારણે દારૂબંધીનો જે પહેલાં થતો હતો એનાથી પણ વધુ ચુસ્ત અમલ થઈ રહ્યો છે, અને આના અમલનો ઉદાહરણ આપીએ તો એટલું કહી શકાય કે આ 1.5 ડઝનથી વધારે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરો જે આનો અમલ કરાવવામાં ક્યાંક ઘૂસણ ગયા હતા તેમને પણ સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે, અને રાજ્યમાં અત્યારે દારૂ ગાળવાનો ધંધો કરનારા તમામ લોકોમાં ભયંકર ભય વ્યાપી ગયો છે, જેથી રાજ્યના લોકોની હિતકારીમાં ખૂબ સુધારો થયો છે। યમલ વ્યાસ યહાં પર ઝૂઠ બોલ રહે હૈ। લતીફ ગેંગ કે સફાઈ કે બારે મેં યમલ વ્યાસ भाजपा को क्रेडिट दे रहे, जो गलत है। दरअसल लतीफ का एनकाउंटर हुआ तो मुख्यमंत्री दिलीप परीख थे, जो भाजपा के तो नहीं थे। रही बात पिछले 2 दशकों में नियम लागू करने की, तो इसी साल मार्च महीने में जो विधानसभा मिली थी उसमें 3 तारीख को सरकार ने अधिकृत तरीके से अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि पिछले 2 साल में 68,60,33,310 रुपये की शराब पकड़ी गई है जो अवैध थी। इन मामलों में 4,545 अपराधियों की गिरफ्तारी बाकी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2020 में कोविड के कारण कई जिलों में 67 दिन तक तालाबंदी थी। इस तालाबंदी के दौरान पुलिस ने 2019 के मुकाबले ज़्यादा शराब पकड़ी थी। इसका सीधा मतलब है तालाबंदी के दौरान आप सरल तरीके से आवाजाही नहीं कर सकते थे, पर शराब आती जाती थी। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोषी ने भी यमल व्यास की प्रतिक्रिया का जवाब देने की कोशिश की है। गांधी सदा के गुजरात में, जब से गुजरात की स्थापना हुई है, गुजरात में दारूबंदी पे रोक है। इसके पीछे का सामाजिक वजह भी है कि जो जो जगह पे दारू का नशा करते हैं इसके परिवार सामाजिक समस्या खड़ी होती है, परिवार पे बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। ये नशा का कारोबार एक ही परिवार को नहीं बर्बाद करता, बहुत से परिवार को बर्बाद करता है। दुख की बात यह है कि भाजपा बड़ी बड़ी बातें तो करती है, पर पिछले 25 साल से शासन करने वाली भाजपा का भ्रष्ट शासन की वजह से आज गुजरात में नशा का कारोबार बेरोक टोक चल रहा है। गांधी सरदार के गुजरात में नशाबंदी कागज पे है, इसलिए कह रहा हूं कि खुद सरकार ने कबूल किया है विधानसभा में, जो आंकड़े सामने आए इसमें करोड़ों रुपये का दारू गुजरात में रोज आता है। कहां से आता है, किसका आशीर्वाद से आता है, कौन ये लाने देने की परमिशन करता है? नशाबंदी का कानून है कौन लागू नहीं कर रहा है, किसका आशीर्वाद है, कौन हफ्ता खा रहा है, ये सब प्रश्न गुजराती पूछ रहे हैं। गांव से लेकर गांधीनगर, शहर से लेकर सचिवालय तक जो भ्रष्टाचार का फाइबर ऑप्टिक है, इसकी वजह से आज गांव गांव तक, शहर शहर तक दारू बेरोक टोक मिला। गुजरात में दूध मिलना मुश्किल है, तेल महंगा है, दूध महंगा है, दारू बेरोक टोक बिक रहा है। ये बिक्री के पीछे पूरी साजिश है और राजकीय अपने जो चुनाव के वक्त पे भाजपा अपने असामाजिक तत्वों का जो साथ लेते हैं
और वो 7 मई के बाद इसको बिक्री करने का बेरोक मुहैया नहीं कराया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि सरकार असामाजिक तत्वों को, दारू के खेप वाले को और 2 नंबर का काले काम करने वाले लोगों को आशीर्वाद दे रखा है, क्योंकि चुनाव में इसका सहयोग लिया है, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बन गई है इसका ऋण अदा करे। मेरी आपके माध्यम से सीधी मांग है, सरकार की फर्ज बनती है नशाबंदी कानून का सख्त अमल करे, गुजरात के नौजवानों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, गुजरात में करोड़ रुपये का दारू का रोज जो बेरोक टोक कारोबार चल रहा है इस पर रोक लगाए, और गुजरात का उज्ज्वल भविष्य के लिए भाजपा अपनी भ्रष्ट नीति रीति को त्याग करके गुजरात के नौजवानों का भविष्य को सुधार करने के लिए इस दिशा में काम करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी नशा में डूब गई तो गुजरात का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। सरकार की एडवर्टाइजमेंट में तो प्रगतिशील और गतिशील और वाइब्रेंट आता है, क्या रोज दारू पी के वो वाइब्रेंट होगा? क्या दारू पी के जो नौजवान नशा की आग में घूम जाएंगे तो क्या ऐसे गुजरात गतिशील बनेगा, प्रगतिशील बनेगा? ये सब प्रश्न आम गुजराती पूछ रहे हैं। कांग्रेस पक्ष ने बार बार विधानसभा में और विधानसभा की बार हमने पिकेटिंग किया है, वहाँ हमने सामने रखा है, पर सरकार को गुजरातियों की जगह कालाबाजारियों, नशा के कारोबारियों को राजकीय आश्रय देने की वजह से आज गुजरात में नशा का बेरोक टोक बिक्री चल रही है। ये बहुत दुख की बात है कि गांधी सदा के गुजरात में भाजपा का भ्रष्ट रवैया जो है, इसकी वजह से गुजरात की नई पीढ़ी को आज जो दूध मिलना चाहिए, अच्छा खाने का मिलना चाहिए, इसकी जगह पे नशा की रस्तु बेरोक टोक मिल रही है। इस सारे मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। गुजरात सरकार के एक मंत्री पर इतने संगीन आरोप लगना कोई मामूली बात तो नहीं है। इससे सरकार की छवि पर दाग भी तो लग रहा है, क्योंकि ये आरोप विपक्ष ने नहीं कर्णी सेना के अध्यक्ष ने लगाए हैं। मेरे हिसाब से सरकार अगर इन आरोपों को बेबुनियाद मानती है तो तुरंत कर्णी सेना के अध्यक्ष के खिलाफ कदम उठाने चाहिए, और अगर नहीं मानती है तो सरकार को एक कमेटी का गठन करना चाहिए जो इस मामले की जाँच करके रिपोर्ट दे सके, और मंत्री जी हमारे टेंशन फ्री हो जाए। पर सरकार क्या किसी कमेटी का गठन करेगी? मेरे हिसाब से नहीं। क्या पता कोई अफसर रोहित सिट्टी की सिंगम देख के आ गया और मंत्री जी को ही दोषी बना दिया तो सरकार के लेने के देने पड़ सकते हैं। जानकारों का मानना है ऐसे में सरकार चुप ही रहेगी जो इस वक्त है। मंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इतना ही। आप देख रहे थे एनालिसिस। नमस्कार।